यादों से सितारों का पुराना नाता है, ये बात तो आप सब जानते हैं। जहां पर सितारों की बात हो, फिल्मी सितारों की, वहां पर कॉन्ट्रोवर्सीज ना हो ऐसा भला कैसे हो सकता है। कुछ ऐसे ही विवाद हैं जिनकी गूंज सुनाई पड़ रही है भोजपुरी फिल्मों के गलियारों में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। सीधा रुख करेंगे भोजपुरी फिल्मी गलियारों की तरफ। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक वक्त था जब भोजपुरी सिनेमा कुछ जगहों तक ही सीमित रह गया था, लेकिन अब इस सिनेमा का दायरा बढ़ रहा है। अब भोजपुरी फिल्मों को ज्यादा तादाद में लोग देखते हैं, पसंद भी करते हैं। शायद यही वजह है कि अब भोजपुरी कलाकारों की तुलना बॉलीवुड के सितारों के साथ भी होती है। अब यहाँ की अभिनेत्रियों के टैलेंट का कंपैरिजन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ भी होता है। तो जब टैलेंट का कंपैरिजन होता है, जाहिर सी बात है कंट्रोवर्सीज का भी होगा। तो जैसे फिल्मी दुनिया में आपने रियल लाइफ कपल की रियल लाइफ कंट्रोवर्सीज सुनी है, कुछ ऐसा ही हाल पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बीच भी हो गया है। भोजपुरी इंडस्ट्री के दो बड़े नाम पवन और अक्षरा फिल्मी पर्दे पर करते हैं जबरदस्त रोमांस, इनकी जोड़ी को करते हैं लाखों लोग पसंद, लेकिन आज इनका नाम सुनते ही विवाद विवाद और सिर्फ विवाद सुनाई पड़ते हैं। पवन ने अक्षरा के साथ रिश्ता रखकर अक्षरा को दिया है प्यार में धोखा। पवन सिंह ने अक्षरा का तोड़ा दिल और इस रिलेशन के, इस रिश्ते के काले चिट्ठे अक्षरा सिंह ने खोले हाल ही में। लंबे समय तक पवन अक्षरा ने एक दूसरे को डेट किया, उसके बाद पवन ने शादी कर ली। पवन की शादी के बाद अक्षरा का दिल टूटा, लेकिन इस जख्मों को अक्षरा ने मीडिया के सामने कभी जाहिर नहीं होने दिया। जो तब नहीं किया वो भली भांति अक्षरा सिंह अब कर रही हैं। अब अक्षरा सिंह का एक और सनसनीखेज खुलासा। वैसे इन दिनों अक्षरा सिंह काफी ज्यादा फॉर्म में है। पवन पर एक के बाद एक लगातार एलिगेशन लगाती जा रही है, पवन सिंह को लेकर एक के बाद एक बयान ऐसे देती जा रही है जिन्हें सुनकर जनता भी हैरान है। जनता भी सवाल कर रही है कि क्या पवन सिंह ने वाकई ऐसा कुछ किया है। और ऐसी परिस्थितियों के बीच में अक्षरा का एक और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। इस इंटरव्यू में अक्षरा ने जान तक देने का खुलासा किया है। अक्षरा ने क्या कुछ कहा जिसने इनके विवाद को एक नए मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर दिया है, देखिए जरा। इस वक्त भोजपुरी सिनेमा के गलियारों में काफी ज्यादा हलचल पैदा हो गई है। भोजपुरी सिनेमा के दो बड़े सितारे अनबन और विवाद को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। हम यहां पर आपसे बात कर रहे हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह और क्वीन अक्षरा सिंह के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, पवन सिंह की जब तक शादी नहीं हुई थी, भोजपुरी फिल्मी पर्दे पर एक के बाद एक हिट फिल्में वो देते जा रहे थे, और जिस भी फिल्म में उनकी जोड़ी अक्षरा के साथ नजर आई, उस फिल्म ने सबसे ज्यादा जनता के बीच चर्चे बटोरे। पवन और अक्षरा को लेकर कई तरह की बातें जनता ने कही, लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे के साथ काम करना जारी रखा। पवन की जब शादी हुई, अक्षरा पवन से दूर हो गई, और उसके बाद से लेकर अब तक ये दोनों एक साथ कभी नजर नहीं आए। एकाएक अक्षरा सिंह का इंटरव्यू होता है जहां वो पवन पर कई तरह के आरोप लगाती हैं और सनसनीखेज खुलासे करती हैं। बातों ही बातों में पवन के साथ अपने रिश्ते के राज खोलते हुए अक्षरा ने कह दिया कि वो पवन सिंह के साथ डेट कर रही थी, लेकिन पवन की शादी के बाद वो उनसे दूर हो गई। अक्षरा ने बताया कि पवन ने उन्हें अपनी शादी के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। रातों रात पवन सिंह ने शादी कर ली। अक्षरा जी से जब सवाल किया गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो आप दोनों के बीच दूरियां इस कदर आ गई, इस सवाल के जवाब में भोजपुरी क्वीन कहती हैं, शादी के बाद मैं किसी की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करना चाहती थी, ना ही मैं किसी की रखेल बनकर रहना चाहती थी, किसी और महिला की जिंदगी बर्बाद मैं नहीं करना चाहती थी। अक्षरा ने यह भी बताया कि पवन और उनके भाई लगातार अक्षरा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। अपने दर्द को बयां करती हुई अक्षरा कहती है, मुझे इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा था, वो म्यूजिक कंपनी में कॉल करके मेरे प्रोजेक्ट्स पर रोक लगा रहे थे, कह रहे थे कि अक्षरा का गाना नहीं लेना, चीजें छिपती नहीं है, मैं भी इसी इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, मुझे पता चल ही जाता है कि वो मुझे काम नहीं करने देना चाहते थे। अक्षरा ने ये कहा कि जब से मैंने इंटरव्यू दिया है, जब से मैंने सोशल मीडिया पर पवन सिंह का काला चिट्ठा खोला है, मुझे लगातार धमकियां मिल रही हैं। वो मुझे फोन करवा रहे हैं, लोगों से गंदी गंदी गालियां दिलवा रहे हैं, सोशल साइट्स पर मेरा नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पवन सोच रहे हैं कि मैं इन सबसे डर जाऊंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन
मैं चुप रहने वाली लड़की नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं करूंगी। यानी यहाँ पर अक्षरा ने साफ तौर पर आरोप लगा दिया है पवन सिंह पर कि पवन चाहते हैं कि वो अपनी जान दे दे, लेकिन अक्षरा सिंह इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। अक्षरा कहती है कि एक लड़की होने के नाते जब पवन शराब के नशे में होते थे, मैं उन्हें संभालती थी, मैं उनका बैग उठाती थी। मैं चाहती तो उस वक्त ही ये सारी बातें मीडिया के सामने ला सकती थी। मैं चाहती तो पवन का काला चिट्ठा उस समय ही खोल दिया करती थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि मैं एक अच्छी लड़की हूँ और मैं नहीं चाहती थी कि पवन सिंह का नाम किसी भी वजह से खराब हो। बता दें आपको, पवन और अक्षरा के विवाद पर हालांकि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री भी दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक तबका इन्हें सपोर्ट कर रहा है, एक तबका लगातार अक्षरा सिंह के खिलाफ है। कई लोग कह रहे हैं कि अक्षरा ऐसा कर ही नहीं सकती, तो कई लोग कह रहे हैं कि अक्षरा सिंह जो हैं वो यहाँ पर झूठ बोल रही हैं पवन और अक्षरा को लेकर। सोशल मीडिया भी दो हिस्सों में बट चुका है और इन सबके बीच इंडस्ट्री के कई सितारे हालांकि ऐसे भी हैं जो ना पवन का सपोर्ट करना चाहते हैं ना ही अक्षरा का। इस मामले पर फिलहाल अब काफी ज्यादा मुंबई की पुलिस एक्टिव हो चुकी है, पवन के खिलाफ FIR दर्ज है, छानबीन का दौर जारी है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में ये विवाद कौन सा नया मोड़ लेता है।